हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथिली टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से मैं अपना वीडियो रोज शुरू करती हूँ। और आज भी देखते हैं कि प्रभु क्या आशीर्वाद देते हैं। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं, अब हम देखते हैं कि क्या आशीर्वाद है आज। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपको आपकी लाइफ से बहुत सारे लेसन्स अभी पास्ट में मिले भी हैं और वेरी नियर फ्यूचर में और मिलने वाले भी हैं। बहुत से लेसन्स, बहुत कुछ आप ज़िंदगी से सीखेंगे और आपने सीखा भी है और अभी और भी लेसन्स सीखेंगे। उसका कारण क्या है? कारण आपकी ईमानदारी है, आपका फियरनेस है। आप बेईमानी नहीं करते, बेईमानी कर भी नहीं सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको तरह तरह के सर्कमस्टांसिस से गुजरना पड़ता है और वो तरह तरह के सर्कमस्टांसिस आपको लेसन्स दे के जाते हैं। लेकिन कार्ड ये जस्टिस का है, चाहे आप किसी लीगल डिस्प्यूट में भी फंस जाएं, जस्टिस आपके साथ ही होता है। क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और जितने आप लेसन सीखते हैं उतनी आपकी ईमानदारी बढ़ती है, उतनी आपकी ईमानदारी बढ़ती है। आप कभी भी अपनी ईमानदारी, अपनी फेयरनेस, अपनी ऑनेस्टी को ना छोड़ें, ना छोड़ा है, ना आप छोड़ें कभी। आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, हमेशा जस्टिस आपके साथ होगा, न्याय आप ही के साथ होगा। और इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपकी ईमानदारी, जो पिछले कार्ड से पता चली जस्टिस वाले से, ये कार्ड उसी की कंफर्मेशन दे रहा है। इस कार्ड के अनुसार आप जितने ईमानदार रहते हैं, जितने अपने को एक फेयरनेस में रखते हैं, ऑनेस्टी में रखते हैं, उतनी सक्सेस आपके साथ लगी रहती है, उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलती है। और सक्सेस के साथ साथ आपको सक्सेस के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और सक्सेस साइड इफेक्ट क्या है? आपको हैप्पीनेस मिलती है। और सक्सेस का साइड इफेक्ट आपको हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। इसके साथ सक्सेस के दूसरा साइड इफेक्ट क्या है? आपको फाइनेंशियल गेन होता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। सक्सेस के साइड इफेक्ट्स मैंने बताए, क्योंकि जब तक आप ऑनेस्ट हैं, ट्रुथफुल हैं,
सक्सेस आपके साथ होगी और सक्सेस के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है आप ईमानदार हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन आप बुद्धिमान भी हैं। ये कार्ड इसी को बता रहा है, कंफर्मेशन इसी की दे रहा है। ये सारे कार्ड एक दूसरे को कंफर्म्ड कर रहे हैं, कंफर्मेशन दे रहे हैं, एक दूसरे की बात के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप बुद्धिमान भी हैं और बहुत जल्दी किसी के ट्रैप में नहीं आते हैं। कोई अगर आपको ट्रैप में फंसाना भी चाहे तो आप उस ट्रैप में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, ईमानदार हैं, लालच नहीं करते हैं। जहां आपके लालच आ जाएगा, जहां आपको ग्रीडीनेस आ जाएगी, वहां पर फिर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आप इन चीज़ों में नहीं फंसते हैं, आप लालच नहीं करते हैं, आप फेयरनेस के साथ काम करते हैं, आप ट्रुथफुलनेस के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई अपने ट्रैप में फंसा नहीं सकता है। आपको बिट्रे करने की कोशिश भी कोई करता है तो आपकी सच्चाई ही आपको उस धोखे से भी बचाती है, उस धोखे से भी बचाती है। और आपका जो काम करने का तरीका है, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो इस तरह का है कि ना तो आप खुद डिप्रेशन में रहते हैं, ना दूसरे को डिप्रेशन में जाने देते हैं, ना आप खुद नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, ना दूसरे को नेगेटिव थॉट्स में जाने देते हैं। बहुत बड़ा गुण है आप में, ये बहुत बड़ा गुण है आप में। और यही वजह है कि नेगेटिव थॉट्स का ना होना और ईमानदारी का होना, यही है सारी आपकी सफलता का बेस, सफलता की बुनियाद। अगर बुनियाद मजबूत है तो बिल्डिंग तो मजबूत होगा। अगला कार्ड ये कह रहा है कि अस्थाई रूप से, टेम्परेरी, आपको हो सकता है कुछ समय के लिए अपने घर से दूर थोड़ा बाहर जाकर के कार्य को करना पड़े। हो सकता है कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट हो जो बाहर जाने पर ही कंप्लीट होना हो, और वो कंप्लीट होने के बाद आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे, आपको काफ़ी पावर गेन होगी और आप जो है उस प्रोजेक्ट के बाद आपका जो एक साइकिल है वो एंड होगा और एक नए साइकिल की शुरुआत होगी, और अच्छे नई साइकिल की शुरुआत होगी। ये समय भी अच्छा चल रहा है, वो समय और अच्छा होगा। अब इस कार्ड के ऊपर मैं क्या बोलूं, भगवान गणेश के ऊपर मैं क्या बोल सकती हूँ? आपको आपकी मजबूत विल पावर को शो कर रहा है ये कार्ड, आपको बिग ब्लेसिंग्स को बता रहा है ये कार्ड, और आप जो नई, आपको घर से बाहर जाकर के एक जो नया वो करना है उसकी सफलता का आशीर्वाद दे रहा है ये कार्ड, ब्लेसिंग्स दे रहा है ये कार्ड। आप एक्शन में रहे, सक्सेस आपके पीछे चलेगी, आप एक्शन में रहें।
भगवान गणपति जी का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त है। वाह, अगला कार्ड ये आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छे समय का संकेत है, सुंदर समय का संकेत है, बहुत प्यारा समय आने वाला है। आप उस समय के लिए अपने कर्मा को बढ़िया से करके रखें, अच्छे से करके रखें, क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। और इस टर्निंग पॉइंट पे आप जब भी हम किसी मोड़ से मुड़ते हैं तो गाड़ी को स्लो करते हैं, बिना स्लो किए हम टर्न गाड़ी को नहीं देते हैं, हम मुड़ते नहीं हैं। इसी तरह जिंदगी की गाड़ी को भी आप जब टर्निंग पॉइंट है आप थोड़ा स्लो करें, आगे और पीछे की बात को सोचें, सोचने के बाद डिसीजन लें जो आपके मोस्ट फेवरेबल हो। मोस्ट फेवरेबल डिसीजन लीजिएगा तभी बात आपके लिए 100% नहीं 500% फेवरेबल होगी। ये कार्ड आपकी गुड हेल्थ को बता रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में हेल्थ का कोई इशू नहीं आने वाला है आपके साथ, आपकी हेल्थ बहुत सुंदर रहने वाली है और आपको बहुत सारी बातों के हल मिलने वाले हैं, सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, आपको उनकी समाधान मिलने वाली है। लेकिन इन समाधानों के बीच में आप बैलेंस जरूर बनाएं, मॉडरेट रहें, अति ना करें, मॉडरेट रहें, बैलेंस्ड बनाएं और दूसरों के साथ भी कोऑपरेट करें, दूसरों के साथ भी कोऑपरेट करें। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। इसके साथ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरिओम नारायण हरिओम।